कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत चीन झड़प के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन सरकार पर निशाना साधा। चीन के मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग से पहले राहुल ने तीन बातें कही। गलवान में चीन का हमला सूटी समझी साजिश थी, सरकार गहरी नींद में सो रही थी, उन्हें समस्या का क्यों समझ नहीं आया और शहीद हुए जवानों ने इसकी कीमत क्यों चुकाई। चीन हमले के बाद देश के पीएम पर विपक्षी हमले तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट कर तीन बड़े आरोप लगाए। गलवान में चीन का हमला सोची समझी साजिश थी, सरकार गहरी नींद में थी, उसने समस्या को नहीं समझा, शहीद हुए जवानों ने उसकी कीमत को चुकाया है। राहुल ने गुरुवार को भी सरकार पर सवाल उठाए थे, साथ ही कहा था कि हमारे जवान बिना हथियारों के शहीद होने के लिए क्यों भेज दिए गए। राहुल ने दो दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधे सवाल किए थे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि गलवान वैली में हमारे सैनिकों के शहीद होने से दुखी हूं। राहुल ने उनसे पूछा कि आप चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, भारतीय सेना को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान वैली में सोमवार को चीन के सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 सैनिक मारे जाने की खबर है, हालांकि उसने ये कबूल नहीं किया है। चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।